मतलब लॉकडाउन ओपन होने से पहले दिन और फिर तो देख लो भाई साहब, मतलब कोई कहेगा एक महीने लॉकडाउन लगा था। और मैं तो आपके साथ शेयर करना है भाई, मैं ऐसा लग रहा है जैसे सबको जेल में एक साथ बंद कर दिया गया और इकट्ठा एक साथ खोल दिया गया है, तो बस लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कोई मास्क लगाया दिख रहा है, मतलब बहुत कम होंगे मोस्टली। देखिए आंटी आ रही हैं, ये भी मास्क नहीं लगाए। Drives me insane. Don't lie. आप लोग ये तो मालूम ही है फरुखाबाद से हूँ, पर आप लोग ये सवाल करते हो फरुखाबाद में कहाँ से हो, कहाँ से? तो भाई फरुखाबाद है बड़ा, तो इतना भी अगर मैं आपको बता दूँगी ना कहाँ से हम रहते हैं, किस जगह रहते हैं, तो आप क्या कहें। लेकिन हाँ, मेरे अगर 1 के सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैंने सोचा मैं अपने सब्सक्राइबर्स से मिलूंगी ज़रूर, है ना, सभी से, और मीटिंग करेंगे। और शायद तब तक कोरोना भी चला, मतलब जाएगा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझ आए तो वो अलग एक चीज़ होगी। लेकिन मेरी कोशिश तो यही है, तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, ताकि थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो अप कर जाए। और बार बाकी आप चीज़ तो देख ही रहे होंगे। अब हम लोग निकले हैं, थोड़ा सा काम था, मेरा काम एक्चुअली में एक महीने से पेंडिंग में था, वही काम थोड़ा सा निकालना जरूरी है, बस इसीलिए निकले हैं बार बाकी। और भाई देखो, काम लॉकडाउन ओपन हो गया और जिसका जॉब है, जिसकी बिजनेस, तो वही वो तो जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, जितना भी कोशिश इंसान कमाने के लिए ही, तो कोई नहीं चाहता अपनी जान को खतरे में डालना, मजबूरी होती तो सभी लोग डालते हैं। हाँ बस हलवा नहीं निकलो, मतलब बेफिजूली का मत निकलो हलवा, हलवा बट हमारा फरुखाबाद ही। अच्छा, जो जो फरुखाबाद से एक बार अटेंडेंस दे दिया करो कि हाँ हम फरुखाबाद से हैं, तो अच्छा लगता है। वैसे मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फरुखाबाद से हैं, और बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग लाइक करते हो, अप्रिशिएट करते हो। यहाँ भीड़ कम है, पहले यहाँ पे और पूरा बंद था, आपको दिखाया था। हाँ, जो हमारा लॉकडाउन वाला फरुखाबाद का वीडियो है उसमें देखिएगा, सब कुछ बंद था और आप ये देखिए। जब हम लोग ने स्टार्टिंग की थी ना वीडियोज़ बनाने की, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन अब नहीं इतना लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन अब आदत में पड़ जाता है ना, तब लोग देख रहे थे तो फर्क पड़ता। ये मैन है लाल गे, और ये हमारा फिर लाल गे है। फ्रेंड्स, मैंने आगे वॉइस इसलिए बंद की है क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी हवा की और ट्रैफिक की, इस वजह से मैंने बंद की है। और मैं जो बता रही हूँ वीडियो, वो ये कि एक मेरे पास कमेंट आया था कि मुझे बस स्टैंड का वीडियो दिखा दीजिएगा फरुखाबाद का, क्योंकि अब काफ़ी चेंज हो गया। तो यस, आगे जितनी भी शॉप्स और होटल्स थे उन सबको तोड़ दिया गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्लेस थी और वो उस जगह को खाली करके बिल्कुल क्लीन कर दिया। और वाकई में सही भी रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, तो इस वजह से वही मैंने अभी आपको आगे दिखाया भी है वीडियो में।
और ये आप जैसे देख भी सकते हैं सारी शॉप्स खुल चुकी हैं, वहाँ पे छोटी मोटी ठेले लग गई हैं खाने पीने के लिए पैसेंजर्स के लिए। तो और ये देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया, पुलिस भी है वहाँ पर। और ये देख सकते हैं जैसे फरुखाबाद लिखा, ये पूरा बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है, पीछे बहुत ज़्यादा एरिया है। और अगर आपने नहीं देखा हो पहले कैसा था, तो वो मेरी जो सबसे पहली वीडियो आई थी फरुखाबाद टू कानपुर बाय बस वाली, वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि पहले कैसा था बस स्टैंड, तो अभी ये ऐसा है। आप तो एक एक महीने बंद रहे ना, तो कैसे वो सरवाइव करते होंगे, तो वो भगवान ही जाने। और अगर मैं सच बताऊं, अगर आप लोग सर्विसिंग करें तो अभी कोशिश करें एक हफ्ते ना ही जाओ, क्योंकि बहुत भीड़ होगी। गाइस हम लोगों को जाना था, हम लोग वहाँ आ चुके हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बस आपको दिखाना था कि भीड़ कितनी है वो आप देख लो, और बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा, और बहुत जल्द बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।